हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर से हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो मैंने लोकसभा स्पीकर के बारे में बताया था, उसी वक्त मैंने कहा था कि मैं आपको प्रोटेम स्पीकर के बारे में वीडियो बना कर लाऊंगी। तो आज मैं फ्रेंड्स प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूरी जानकारी आज आपको दूंगी। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग प्रोटेम स्पीकर के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, मैं प्रोटेम स्पीकर से बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि प्रोटेम स्पीकर का जो काम होता है वो होता है, जब एक लोकसभा जब सदस्य के रूप में, अस्थायी सदस्य के रूप में लोकसभा सदस्य या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं रहते हैं, तब ये प्रोटेम स्पीकर उनकी जगह पर काम करता है। फ्रेंड्स, यानी जब तक उनकी नियुक्ति नहीं होती है नए चुनाव के बाद, तब तक ये प्रोटेम स्पीकर उनकी जगह पर काम करते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसके बारे में पूरे डिटेलिंग भी आपको बता दूंगी। अभी मैंने शॉर्ट में बताया है, अब हम लोग चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले शपथ कौन दिलवाता है प्रोटेम स्पीकर को? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, यानी भारत के जो भी वर्तमान राष्ट्रपति होंगे वो नए चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर अगर नियुक्ति होता है तो वो राष्ट्रपति करेंगे। फ्रेंड्स, अब देखिए प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? तो प्रोटेम स्पीकर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं, यानी सदन के कोई एक वरिष्ठ सदस्य को चुनकर प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है और नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। फ्रेंड्स, अब देखिए उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य होता है, प्रोटेम स्पीकर का उद्देश्य नए सदस्यों को शपथ दिलवाना होता है। मैंने अभी आपको कहा था कि जब तक लोकसभा के अस्थायी सदस्य नहीं कोई नियुक्त होते हैं तो यही प्रोटेम स्पीकर सदस्यों के शपथ दिलवाएंगे। फ्रेंड्स, अब देखिए प्रोटेम स्पीकर एक असंवैधानिक पद है, यानी कि इस हमारे भारतीय संविधान में इनका वर्णन नहीं किया गया है। प्रोटेम स्पीकर का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, इसीलिए ये असंवैधानिक पद है। फ्रेंड्स, और जिसका वर्णन रहेगा वो संवैधानिक रहेगा। अब देखिए कार्यकाल इनका कोई भी निश्चित नहीं है। फ्रेंड्स, देखिए प्रोटेम स्पीकर तब तक अपने कार्यकाल में रहेंगे जब तक कि कोई लोकसभा के अस्थाई सदस्य के रूप में ना आ जाए। मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी लोकसभा के अस्थाई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाता तब तक ये प्रोटेम स्पीकर उनकी जगह पर रहेंगे। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो संसद के कामों को संचालन अच्छे तरीके से कर पाए जब लोकसभा के सदस्य और उपाध्यक्ष नहीं रहे तब। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ नोट किए हैं, ये नोट आपको बहुत ही मदद करेगा, ये प्रोटेम स्पीकर पर ही हैं। ये देखिए नोट, सबसे पहला नोट मैंने लिखा है, देखिए प्रोटेम स्पीकर नामक पद भारत के संविधान में वर्णित नहीं है। मैंने ऊपर आपको बताया था कि ये असंवैधानिक है, इसीलिए ये भारत के संविधान में वर्णित नहीं है। और इस पद की जरूरत नए चुनाव के उपरांत सभा के सदस्यों को संचालित करने हेतु इस पद का सृजन होता है। मैंने ऊपर बताया था, अभी आपको डिटेलिंग में ये पता चल गया होगा फ्रेंड कि प्रोटेम स्पीकर का जो पद है भारतीय संविधान में नहीं है, इसकी जरूरत नए चुनाव के उपरांत सदस्यों को संचालित करने हेतु इस पद का सृजन किया जाता है। दूसरा नोट देखिए, 17वीं लोकसभा चुनाव के उपरांत जो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर जो बनाए गए थे लोकसभा में वो थे डॉक्टर बीरेंद्र कुमार। कौन थे? तो डॉक्टर बीरेंद्र कुमार, वो 17वीं लोकसभा के प्रोमेट स्पीकर बनाए गए थे। यानी कि अभी जो हमारा जो लोकसभा चल रहा है वो 17वीं लोकसभा है, और उस समय जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे ये डॉक्टर बीरेंद्र कुमार जी बनाए गए थे। फ्रेंड्स, अब यहीं पे देखिए, मैंने एक जैसा कि ये आपका प्रोटेम स्पीकर से है, तो इसमें एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ कि प्रोटेम स्पीकर लोकसभा और राज्य के विधानसभा में भी होते हैं। तो ये तो जो बीरेंद्र कुमार जी थे ये लोकसभा में चुने गए थे प्रोटेम स्पीकर, लेकिन उसी वक्त 17वीं विधानसभा जब बिहार में चुनाव हुई थी, चुनाव के बाद विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बनाया गया था। किन्हें? तो जीतन राम मांझी को बनाया गया था। फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जो ये डॉक्टर बीरेंद्र कुमार जो 17वीं लोकसभा के प्रोमेट स्पीकर के रूप में बनाए गए थे, ये मध्य प्रदेश के लोकसभा सीट से बीजेपी के सदस्य रह चुके हैं फ्रेंड्स, और इन्हें ही प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था 17वीं लोकसभा के लोकसभा चुनाव के उपरांत। फ्रेंड्स, और उसी तरीके से 17वीं विधानसभा के बिहार के चुनाव के बाद जो विधानसभा के प्रोमेट स्पीकर भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को बनाया गया था, ये हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष थे, और इन्हें राज्यपाल यानी कि बिहार के
बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी ने शपथ दिलाए थे। जिस तरीके से केंद्र में शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं लोकसभा के प्रोमेट स्पीकर के, उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल प्रोमेट स्पीकर के शपथ दिलवाते हैं। अब किसी भी राज्य के रहेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश के प्रोमेट स्पीकर रहेंगे, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल उन्हें प्रोमेट स्पीकर का शपथ दिलाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए, केंद्र के लिए प्रोमोट स्पीकर बनाया जाएगा तो इसका शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, और राज्य के लिए प्रोमोट स्पीकर बनाया जाएगा तो इसका शपथ राज्यपाल दिलाते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप तो इतने प्रोमोट स्पीकर के बारे में आज आप पूरे जान गए होंगे, मैं आपको वन लाइन में करके पूरे तरीके से आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर का चुनाव के पहले सत्र में अस्थाई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुने जाने तक संसद के कामकाज स्पीकर के तौर पर संचालित करता है फ्रेंड्स, यानी कि सदन का संचालन करता है। यह पद बहुत ही कम टाइम के लिए बनाया जाता है फ्रेंड्स, और अभी तक ज़्यादातर देखा गया है तो सदन के विशिष्ट सदस्यों में से किसी एक को यह जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। प्रोटेम स्पीकर तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक सदन के अस्थाई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, संविधान में प्रोमेट स्पीकर की शक्तियां का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और फैक्ट आपको बता देती हूं कि प्रोटेम शब्द की बात करें तो यह लैटिन शब्द का है। लैटिन शब्द इसका मतलब होता है, ये लैटिन शब्द है, और प्रोमेट का मतलब होता है कुछ समय के लिए। तो आप जान गए होंगे कि इन्हें प्रोटेम स्पीकर नाम क्यों दिया गया, क्या क्योंकि ये लोकसभा के जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है, विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनके न रहने पर या उनकी नियुक्ति न करने पर उस वक्त प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति की जाती है फ्रेंड्स। मैं एग्जांपल के तहत आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करते। उसी तरीके से जब लोकसभा के स्पीकर की सीट खाली रहेगी, विधानसभा के स्पीकर की सीट खाली रहेगी, तब प्रोटेम स्पीकर उस वक्त चुनकर किसी को बना दिया जाता है, और वो तब तक रहेंगे जब तक कि लोकसभा के स्पीकर या विधानसभा के कोई एक अध्यक्ष नहीं बन जाते। और जब वो अध्यक्ष बन जाएंगे तो प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आप प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूरे जान चुके हैं। आज ये आपको प्रोटेम स्पीकर पीटी और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये लोकसभा स्पीकर से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर से नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलूंगी और नए पॉइंट के साथ आपसे मिलूंगी फ्रेंड्स। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज आप प्रोमेट स्पीकर के बारे में आप जान गए हैं, और इसके बारे में अच्छे तरीके से आप नोट कॉपी में उतार लीजिए। फिर मैं कल नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।